आज है जन्माष्टमी, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और आज हम घर पे तैयार करेंगे धनिया का प्रसाद, जो कि ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। और ठाकुर जी को ये मेन प्रसाद है जो कि जन्माष्टमी में बनाया जाता है, मंदिरों में बनाया जाता है, तो वो आज हम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख के गर्म कर लिया है, धनिया को अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ी देर इसको मैंने धूप में रख लिया था ताकि अच्छे से इसमें जो भी मतलब बारिश के टाइम में ये पोचा हो जाता है तो वो सही हो जाएगा। इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से धीमी आंच पे। और ये धनिया मेरा अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है मैंने, जो कि बादाम है और ये तरबूज का बीज है। और भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेना है आप ले सकते हो, इसमें जो भी डालना हो डाल सकते हो आप। तो इसको मैंने बिना घी के अच्छे से रोस्ट कर लिया है, उसको मैं निकाल लूँगी। और जो धनिया भून के रखा था ना, वो अब ठंडा हो गया है, तो उसको मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। और धनिया को ना बहुत लोग मतलब बिना भुने भी पीस लेते हैं, पर बिना भुने उतना सही नहीं पीसता है। इसलिए इसको अगर आप अच्छे से भून के पीसोगे ना, तो वो बारीक पेस्ट मतलब वो पाउडर अच्छे से बनेगा उसका। और ये मैंने भून के इसको पीस लिया, जो दूसरा बचा था ना उसको भी मैंने पीस लिया है। और इसमें मैंने 1.5 चम्मच जितना घी डाला है, देसी घी। और वो घी डाल के ना मैं इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डाला है, किशमिश, बादाम, तरबूज का बीज, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। नारियल का बुरादा भी डाल दूँगी इसमें, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें ना जितना भी ड्राई फ्रूट आप डालो उतना ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और चीनी है जिसमें, जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, क्योंकि खड़ा चीनी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें इसको क्रश करके डाला है। आप गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ और भी अच्छा लगेगा, पर मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने चीनी डाल दिया है। आप गुड़ डाल देना और अच्छा बनेगा। और ये धनिया का प्रसाद मेरा बनके तैयार हो गया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, फुल वॉच करके देखिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।